हेलो फ्रेंड्स, वॉल्यूम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान एएनएम जीएनएम भर्ती परीक्षा 2018 के बारे में। फ्रेंड्स, एएनएम जीएनएम वाले कैंडिडेट के नियुक्ति के संबंध में एक अपडेट आया है। फ्रेंड्स, एएनएम जीएनएम भर्ती 2018 को लेकर राजस्थान नर्सेज यूनियन के जिला अध्यक्ष चारण ने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को एक पत्र लिखा है और कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से जो भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी थी उसको हटाने की मांग की है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर रघु शर्मा को जो पत्र लिखा है उसमें क्या लिखा है इसको देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की न्यू अपडेट का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो लेटर जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को लिखा है। यहाँ से देखिए, राजस्थान नर्सेज यूनियन, डेट देखिए 6/7/2020 की डेट में इस लेटर को लिखा है। अब फ्रेंड्स, इस लेटर में क्या लिखा है तो यहाँ से विस्तार से देखते हैं। सेवा में श्रीमान डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर। सब्जेक्ट में देखिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नर्स श्रेणी द्वितीय भर्ती 2018 की नियुक्ति सूची में चयनित संविदा नर्सेज के कार्य ग्रहण पर लगाई रोक हटाकर नियुक्ति देने के बाबत। तो फ्रेंड्स, जिन कैंडिडेटों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी कोरोना वायरस की वजह से, अब उस रोक को हटाकर इनको जॉइनिंग देने से रिलेटेड ये लेटर लिखा है। तो इस लेटर में क्या लिखा है अंदर देखिए। यहाँ से, महोदय श्रीमान जी से सादर नम्र निवेदन है कि निर्देशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक इतना दिया हुआ है, नर्सिंग ग्रेड सेकेंड सीधी भर्ती 2018/309/310 और आदेश क्रमांक कार्य भर्ती 2018/300/436/437 दिनांक 28/4/2020 के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता व नर्स श्रेणी द्वितीय की पद स्थापना सूची जारी की गई थी, जिसमें राज्य में कार्यरत संविदा नर्सें जो वर्षों से कार्य कर रही हैं उनके कार्य ग्रहण पर कोविड-19 महामारी के चलते रोक लगाई थी। महोदय, चूंकि अब राज्य में लॉकडाउन के बाद अधिकतर गतिविधियां चालू हो गई हैं, अतः राज्य की समस्त चयनित संविदा कार्यकर्ता नर्सेज को दिनांक 29/4/2020 से नियुक्ति तिथि मानते हुए कार्य ग्रहण करवाने व इस भर्ती में शेष रहे पदों पर नर्सेज हितों को देखते हुए शीघ्र नियुक्ति सूची जारी करवाने का श्रम करें। तो फ्रेंड्स, ये जो लेटर लिखा है ये लिखा है जीवत दान चरण, जिला अध्यक्ष, राजस्थान नर्सेज यूनियन, सिरोही डिस्ट्रिक्ट से। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट था आपके लिए छोटा सा। आपके जॉइनिंग से रिलेटेड ये लेटर लिखा है डॉक्टर रघु शर्मा को, तो जल्द से जल्द आपके जॉइनिंग हो जाए इसी की हम कामना करते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार की अपडेट को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का जो भी न्यू अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से अपडेट कर सकूँ।